इन दोनों गवाहियों में क्या अंतर है? उसको संभालना, उसको क्यों नहीं संभालना? हालेलुया। तो इन दोनों बहनों की गवाही है और परमेश्वर ने कैसे इनके जीवन में अपनी प्रोटेक्शन को किया और परमेश्वर ने बड़े काम को इनके जीवन में प्रकट किया। तो सबसे पहले जिस सिस्टर का नाम कवल है और जी मुदल गांव के रहने वाले और मैं इनके बेटे की गवाही को सुनेंगे। और जी बता रहे प्रेरित जी, इन्होंने बताया कि 2 हफ्ते पहले इन्होंने वेडनेसडे की मीटिंग को इन्होंने अटेंड किया और जब जी अपने घर गए तो जी बता रहे कि शाम के टाइम इनका बेटा छत पर खेल रहा था और वो जो छत की ऊंचाई थी जी बता रहे कि 10.5 फुट की ऊंचाई थी। और जैसे जी इनका बेटा खेल रहा था उस छत से नीचे गिर गया। हम उस वीडियो को भी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि जिस छत से जी इनका बेटा नीचे गिरा था। मैं देख सकते कि इस छत पर इनका बेटा खेल रहा था और नीचे ही इनका बेटा गिर पड़ा। और जो बता रहे कि पूरे बाजार में ऐसे पत्थर थे और जो बता रहे जब इनका बेटा नीचे गिरा तो परमेश्वर ने अपनी प्रोटेक्शन से इस बच्चे को संभाल कर रखा। जैसे कानवे जबूर में भी लिखा है परमेश्वर ने कि वह तुझे अपने पंखों की आड़ में ले लेगा और तू अपने परों के नीचे तुझे शरण देगा। और सच में उस समय जो बता रही कि जैसे इनका बेटा गिरा तो परमेश्वर ने अपने डाल से इसको संभाल कर रखा। इसको कुछ भी एक रोज तक नहीं आई इस बच्चे को और परमेश्वर ने अपनी सामर्थ से अपनी प्रोटेक्शन से इस बच्चे को संभाला। और जो बता रहे कि थोड़ा जी बच्चा सहम गया था पर जैसे इन्होंने टीम के साथ बात की, उन्होंने उत्साहित किया, तुझे बता रहे कि उस दिन से इन्होंने कोई ट्रीटमेंट नहीं, कुछ नहीं कराया। इनका बच्चा बिल्कुल अच्छा खेल रहा, खा पी रहा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो सच में इस बड़े काम को परमेश्वर ने इस बहन के जीवन में किया है। इस गवाही के लिए परमेश्वर के दास का दिल से धन्यवाद करते हैं। अपने हाथा बिच रख के मैनु सदा संभालने वाले आ, अपने हाथा बिच रख के मैनु सदा संभालने वाले आ। अगर खुदा ने इस दुनिया में अपना वचन दिया है, जिस वचन को खुदा ने अपने नाम से भी लिखा ज्यादा महत्ता दिया, तो वचन हमारी जिंदगियों में विश्वास करने वालों के जीवन में उसकी इच्छा को पूरा करने वालों के जीवन में पूरा हो रहा है। क्या हो रहा है वचन? अरे ये कम से कम 10 फीट की ऊपर से ऊंचाई से, 10 फीट होगा कि नहीं है कि 10 से ज्यादा है? हाँ, 10.5 फुट की वो छत थी जहां से नीचे जे बच्चा, ये ईटें लगी थी कहां पे गिरा है? बाजार में गली है ना गली में जी। तो ईटों में, मतलब बाजार में गिरा, ऊपर से छत से सीधा, कुछ भी नहीं हुआ, ना कोई खरोच, ना कोई दबाव, ना कोई कुछ, ना कोई ट्रीटमेंट। और जो वचन में लिखा है वो पूरा हुआ। क्या हुआ? ये बात है धर्मियों की जो उसकी इच्छा को पूरा कर रहे हैं। ठीक है, सेम उस बहन की भी ये गवाही है ना? हाँ, जी ठीक है, बताओ। तो इस सिस्टर का नाम मोनिका है और जे भी मुदल गांव में रहते हैं और जे इनके भी बेटी की गवाही जे बता रहे हैं कि इस वेडनेसडे के दिन ही इनका बेटा भी उसी छत पर खेल रहा था। और जे बता रहे हैं कि जैसे जे भी बेटा उस छत से नीचे गिरा और जे थोड़े दूसरी साइड पर गिरा था पर छत वही थी, तो जब जे बेटा गिरा तो जे बता रहे कि जब गिरा तो
वो एक नीचे जो बता रहे इनका किचन रसोई बनी थी और उस पर लेंटर पड़ा था और उस पर सरिये भी थे, जिस पर जब इनका बेटा गिरा तो जो बता रहे कि इनके सिर पर बहुत गहरी चोट लगी और जो बता रहे कि इसकी टांग पर भी चोट लगी थी और जो सिस्टर बहुत ही ज़्यादा घबराए थे, बहुत ही परेशान थे। और जो बता रहे क्योंकि जिस सिस्टर ने बताया क्योंकि आज से 6 महीने हो गए थे कि इनके हस्बैंड की डेथ हो गई थी और जिसके कारण जी 1.5 महीना ही चर्च आए, उसके बाद फिर से इन्होंने चर्च आना छोड़ दिया क्योंकि जो बता रहे थे कि इनका मन नहीं करता था चर्च आने के लिए, ना इनका मन प्रार्थना करने को करता था। और पूरे 2 महीने हो चुके थे कि जो बिल्कुल भी चर्च नहीं आई, टीम इन्हें उत्साहित भी करती, कॉल भी करती, पर जो कुछ भी उसका रिस्पॉन्स नहीं दे रहे थे। और जैसे उस दिन इनका बेटा शस्त्र से नीचे गिरा तो इसके पूरे फेस पर बहुत ज़्यादा स्वेलिंग होगी, बहुत ज़्यादा जो बता रहे कि जब बच्चा जो था सहम गया था। उसी समय उस दिन वेडनेसडे की मीटिंग थी तो ये फटाफट जल्दी से जो चर्च लेकर आ गए, तो जब इन्होंने फिर परमेश्वर के दास के साथ जब मीटिंग की तो जे बता रहे हैं कि उस समय जी तो बहुत घबराए थे, इनके अंदर वो विश्वास भी नहीं था। पर जैसे ही परमेश्वर के दास ने कुछ गवाहियों के द्वारा इनको उत्साहित किया और इनका विश्वास बनाया और जे बता रहे कि फिर इनके लिए ले एंड प्रेयर हुई, हम उस वीडियो को स्क्रीन पर देख सकते हैं। परमेश्वर मैं प्रार्थना करता इस बच्चे लिए खुदा, जो भी नेगेटिविटी ने अपने प्लान दे नाल, शैतान ने अपनी योजना दे नाल खुदा इस बच्चे ने चोट पहचाई है, यीशु मसीह मैं सारी नेगेटिविटी दे प्रभाव नु, अंधकार दी शक्ति नु, उस पाप दे इस हालात नु, इस चोट नु जो शैतान ने अपनी योजना दे नाल परमेश्वर इस बच्चे दे उपर अटैक किया है, यीशु मसीह मैं शैतान दी सारी योजना नु कैंसल करदा, तेरे जीवत नाम दे विच कैंसल करना। और जो भी इस सूजन खुदाबंद इदे मत्थे दे उपर जो भी बनी है मेरे परमेश्वर, तेरे जीवत नाम से खुदाबंद, तेरे जीवत नाम से मेरे प्रभु, तेरे जीवत नाम से खुदा ये सारी सूजन यीशु मसीह चली जाए, सारी सूजन चली जाए, जो भी ब्लड इकट्ठा हुआ जो भी कारण है यीशु मसीह तेरे नाम से वो अपनी जगह पर चले जाए। यस खुदा तेरी जीवित शक्ति से, तेरी जीवित शक्ति से, यस खुदा तेरी जीवित शक्ति से, खुदा तेरी जीवित शक्ति से मेरे प्रभु, यस खुदा, यस खुदा ये सारी सूजन खत्म हो जाए, सारी सूजन खत्म हो जाए, यस खुदा तेरी जीवित नाम से सारी सूजन खत्म हो मेरे प्रभु, इन द नेम ऑफ जीसस तेरे जीवित नाम से खुदा धन्यवाद करता हूँ पिता, और विश्वास करता हूँ परमेश्वर तू निश्चय निश्चय खुदा निश्चय खुदा तेरे वचन में लिखा तू अपने लोगों से प्यार करता और तू नहीं चाहता कि मेरी जो प्रजा है ज्ञान से कारण नाश होती मेरे खुदा, आज इस बच्चे पर प्रभु तेरी कृपा हो, यस खुदा तेरे जीवित नाम से ये सारा हालात नॉर्मल हो जाए, यस खुदा सारी सूजन खत्म हो जाए, सारी दर्द यीशु मसीह तेरे नाम से खत्म हो जाए, तेरे जीवित नाम से खुदा मांग, यस खुदा विश्वास करता हूँ, यस खुदा इसकी, यस खुदा जो टांग पे चोट है प्रभु वो भी तो अच्छा कर चुका है, और सारी इसकी ये सोच जो मत्थे देते खुदा इन्हें खत्म कर चुकी है अपने जीवित नाम से, यस खुदा मैं शास कर दा प्रभु जो मैं क्या निश्चय ऐसा खुदा तेरे जीवित नाम से हो चुका है, आमीन। और जैसे इनके लिए इनके बेटे के लिए प्रेयर हुई थी परमेश्वर के दास के द्वारा, तो जो कि इनके बेटे की टांग में बहुत दर्द हो रही थी और जे बिल्कुल दर्द के कारण जे हाथ भी नहीं लगा रहे थे और जे बहुत ज़्यादा दर्द को फील कर रहा था बच्चा, और उसी समय प्रभु के सामर्थ्य ने छुआ और टांग के दर्द से तो परमेश्वर ने उसी समय आज़ाद कर दिया, इसने चलना भी शुरू कर दिया। पर जो अभी माथे पर बहुत ज़्यादा स्वेलिंग थी, सोर्स थी, ब्लड इकट्ठा हुआ था, तो इनका विश्वास नहीं बढ़ रहा था इतना, तो फिर इनको बोला कि आप थोड़ा डॉक्टर को दिखा सकते हैं। और जैसे जो डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने बोला कि
कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल सही है, पर फिर जब बता रहे कि फिर भी इसकी स्वेलिंग नहीं उतर रही थी, तो फिर जब जी अगले दिन डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने इनको बोला कि आप अपने क्योंकि इनका मन नहीं भर रहा था, तो डॉक्टर ने बोला कि अगर स्वेलिंग कम नहीं हो रही तो फिर आप इसके लिए सिटी स्कैन करा लें इसका सिर का। और जैसे ही फिर जैसे बहन हॉस्पिटल में इसके सिटी स्कैन कराने के लिए गए, तो जब बता रहे कि जब इसका सिटी स्कैन हुआ तो हम उस समय के सिटी स्कैन के एक्सरे को देख सकते हैं और परमेश्वर की सामर्थ के द्वारा बिल्कुल जो रिपोर्ट सिटी स्कैन नॉर्मल था, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आई। और जो बता रहे कि जो रिपोर्ट कराई थी अब हम उसको भी देख सकते हैं, तो इस रिपोर्ट में भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी आई। परमेश्वर ने पूरी तरह से इस बच्चे को अब संभाल कर रखा, क्योंकि परमेश्वर हमारे मन को देखते हैं। चाहे इनका विश्वास नहीं बढ़ रहा था, जिस सही तरह से संगति में नहीं आ रही थी, पर वो परमेश्वर भला है, हमसे प्रेम करता है। और सच में आज उस परमेश्वर के अनुग्रह से इनका बेटा बिल्कुल अच्छा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। परमेश्वर का ही धन्यवाद करते और परमेश्वर के दास का भी धन्यवाद करते। हम सब जोर से अपने हाथों को उठाएंगे। सुनो, इन इन दोनों गवाहियों में क्या अंतर है, समझा है कि नहीं? एक बच्चे को, एक बहन के बच्चे को परमेश्वर ने प्रोटेक्शन से संभाला, दोनों सेम छत से गिरे, एक को कुछ भी नहीं होने दिया, दूसरा भी उसी छत से गिरा, पर उसके माथे में बड़ी चोट आ गई, पूरा माथा फूल गया और ब्लड ऐसे इकट्ठा हो गया, टांग पे भी चोट लगी, ये पैर भी अपना नीचे नहीं लगा रहा था। उसको संभाला, उसको क्यों नहीं संभाला, ये है फर्क। उस बहन के बच्चे को परमेश्वर ने संभाला और इसके को क्यों नहीं संभाला, बोलो क्या है? वो उससे ज्यादा ऊंचाई से गिरा, वो कम गिरा अभी, क्योंकि नीचे जहां से वो गिरा एक किचन की छत थी, वो कम थी, पर वो ज्यादा ऊंचाई से गिरा। पर उसको कुछ भी नहीं होने दिया, उसको क्यों चोट लगी, उसकी हालत इतनी क्यों खराब होगी? कारण, कारण क्योंकि एक बहन प्रभु की इच्छा को पूरी कर रही है, लगातार संगति अटेंड कर रही है, पर दूसरी बहन नहीं, उसका मन नहीं कर रहा, दिल नहीं कर रहा आने को, प्रार्थना करने को कुछ भी नहीं। पर एक क्या कर रही है, एक कर रही है, जो कर रही है परमेश्वर ने अपने वचन के मुताबिक, जो अभी आपने कन्वे भजन संहिता में जो वचन सुना है उस वचन के अनुसार खुदा ने प्रोटेक्शन देकर संभाला और दूसरे को नहीं संभाला, क्योंकि दूसरा इंसान परमेश्वर के वचन को पूरा नहीं कर रहा। कितने मेरी बात समझ रहे हैं? क्योंकि परमेश्वर वचन का बंधा हुआ परमेश्वर, और वचन के बाहर वो कुछ भी नहीं करता। कितने समझ रहे हैं? क्योंकि जो इच्छा पूरे कर रही है उसके को संभाल लिया, जो जिसने नहीं किया उसको नहीं संभाला। फिर भी धन्यवाद है कि वो परमेश्वर भला है। बोलो क्या है? जब जब गिरा तो इनकी हालत देखने वाली थी, इस बहन की, अपना हाथ उठाओ, हाँ ये वाले, अभी भी, अभी दिखाओ माता, झूम करके दिखाओ उस बच्चे का पहले, हाँ ये देखो, अभी तो बस नॉर्मल सा है, क्योंकि उस दिन पूरा ऐसे पूरा माथा फूल गया, ये हाथ भी नहीं, पूरा ब्लड ऐसे इकट्ठा हो गया। जब प्रार्थना हुई तो ये अपना पैर भी नीचे नहीं लगा रहा था, क्योंकि टांग पे भी चोट लग गई और पैर नीचे नहीं लगा रहा था। जब प्रार्थना हुई तो चलने लगा उसी दिन, जिस दिन प्रार्थना हुई। भला है ना परमेश्वर? फिर देखो, क्योंकि ये ऑलरेडी पहले दो महीने से परमेश्वर से दूर थे। बोलो क्या थे? परमेश्वर से दूर थे, तो इनका जरा भी हालात के सामने, ये रो रहे थे बच्चे को लेकर, इनका जरा सा भी विश्वास नहीं था इनके अंदर। परमेश्वर ने तो काम किया, फिर हमने कहा ठीक है आप थोड़ा सा, पहले तो मैंने एक चिन्ह बोला कि आप एक घंटे के बाद सूजन उतरेगी तब ऐसे, पर इनके अंदर विश्वास नहीं बनना, तो मैंने कहा ठीक है आप डॉक्टर के पास जाएं, थोड़ी मेडिसिन ले लें, क्योंकि इनके अंदर विश्वास नहीं बन रहा था। बोलो क्या है? डॉक्टर के पास गए, उन्होंने मेडिसिन दी थी, कहते कोई बात नहीं, पर वो सूजन जो माथे पे आ गई थी वो उतर नहीं रही, तो इनके मन में कई सवाल आ रहे थे। हाँ, आस पड़ोस वाले भी, बोलो क्या है, बोल रहे थे कि
नहीं नहीं आप दिखाओ दिखाओ, फिर सीटी स्कैन कराया पर उसमें भी कुछ नहीं आया, रिपोर्ट कराई वो भी नॉर्मल आई, क्योंकि परमेश्वर आपसे प्यार करता है। क्या करता है? क्योंकि भला परमेश्वर भला, पर जो लोग समझते नहीं है, बोलो, क्योंकि ये दोनों बहनें पड़ोसी हैं, पास पास रहती हैं, तो एक ही छत पे खेल रहे और उसी छत से दोनों गिरे, एक को कुछ भी नहीं होने दिया, एक के ऊपर कितना हालात आ गया। क्यों? क्योंकि एक वचन को पूरा कर रही है और दूसरा दूसरी नहीं कर रही। समझ आ रही मेरी? पर परमेश्वर ने ये भला काम प्रकट किया है। बोलो क्या किया है? ये भला काम परमेश्वर ने प्रकट किया है। अब जो बुद्धिमान है वो पकड़ेंगे, वो फिर वो भी नहीं गलती करेंगे, क्योंकि जरूरी नहीं होता हम नहीं आ रहे तो उसका अटैक आपके बच्चों पे भी कर सकता है, आपके परिवार पे भी कर सकता है। मेरी बात समझ रहे कि नहीं? तो इसलिए बने रहना ही जीवन है, बने रहना ही जीवन है। तो समझे आपने इस गवाही का जो डिफरेंट है, अंतर है, एक को संभाला और दूसरे को क्यों नहीं संभाला, पर फिर भी वो भला परमेश्वर है। बोलो क्या है? जब इसको फिर से परमेश्वर के राज्य के बारे में समझाया बने रहने के लिए, इसके अंदर वो परमेश्वर की फिर से दया आई, वो प्रेम आया, तो खुदा ने फिर से इसके बच्चे पर अनुग्रह किया और आज ये सामने भला चंगा है। हम देख सकते हैं कि अभी इनका बेटा अच्छे से चल रहा, कोई भी इसकी टांग में कोई दर्द नहीं है। तो हम देख सकते हैं कि आज परमेश्वर ने इनके बेटे को पूरी तरह से इस प्रॉब्लम से आजाद कर दिया। उसको सुनो सुनो, एक चीज सुनो, मैं एक चीज आपको और भी बताता हूं। बाइबल में लिखा दुष्ट की युक्तियों से अनजान न रहो। एक समय था इसका बड़ा बेटा, तो आया वो आज, हाँ ये वो छोटा, ये बड़ा है, अच्छा ये बड़ा है, ठीक है सुनो मेरी बात। एक समय वो बीमार हो गया, यही बेटा, और प्रभु ने हील किया, चंगा किया, तो मैंने इन्हें बने रहने के लिए शिक्षा दी। पर फिर से एक बार फिर से इस बच्चे पर अटैक आया। क्या आया? इसकी हालत इतनी ज्यादा खराब होगी, क्या हो गया? बुखार हो गया था तब, वो छोटा बेटा पापा जम से छोटे वाला था। हाँ, अच्छा क्या हो गया था उसे? बुखार हो गया सी, तो सेल कट गई, सेल कट गई थी, और हॉस्पिटल वालों ने जवाब दे दिया। क्या दे दिया? हॉस्पिटल वालों ने जवाब दे रहे थे कि नहीं, और मैंने इन्हें फिर बने रहने की शिक्षा, मैंने कहा था कि आप बने रहो, क्या रहो, बने रहने के लिए कहा, और फिर से मन फिराया इन्हें, उन्होंने कहा अब दोबारा गलती ना करना। परमेश्वर ने फिर से उस बच्चे को, छोटे वाले को ना, हाँ जी, अनुग्रह किया, हील किया और चंगा किया। अब दोनों को शिक्षा दी, इसके पति को भी जो आज इस दुनिया में नहीं है। उसका कारण क्या है? क्योंकि ये महीना डेढ़ महीना तो बने रहे, पर हुआ क्या, ये डेढ़ महीना फिर संगति में नहीं आए। क्या नहीं आए? डेढ़ महीना ये फिर से नहीं आए, और एक दिन शैतान ने फिर इनके पति पर अटैक कर दिया। और जब प्रॉब्लम क्या है, सिर्फ दर्द ही हुई वखी में, क्या हुई, और जब इनका विश्वास नहीं बन रहा था तो हमने उत्साहित किया, ये कुछ ग्लूकोज वगैरह लगा रहे थे वहीं से अपने गांव के डॉक्टर से, तो हमने कहा कि मैंने आत्मा में देखा, तो मैंने कहा कि वो पूरी रात दर्द से, पूरी रात, अगला दिन शाम होगी उसकी दर्द रुक नहीं रही। तो मैंने इन्हें सलाह दी कि इसे आप हॉस्पिटल लेकर आ जाओ। उनके पास पैसे नहीं थे, हमने फिर कहा कोई बात नहीं, आप लेकर आओ, हम जितना हो सके हम आपकी मदद करेंगे, आप लेकर आओ जल्दी से। पर ये लेकर नहीं आए, उस शाम को ये हॉस्पिटल नहीं लेकर गए, और शैतान को मौका मिला, और इनके पति के क्या कर दी, अभी छोटी छोटी बच्ची। अब ये मैं बात क्यों समझा रहा हूं कि किस आपको समझना पड़ेगा परमेश्वर का राज्य क्या है और परमेश्वर का वचन क्या कहता है। पर जब ये ऐसा हुआ तो फिर तो पूरी तरह मन टूट गया ना इनका। फिर मैंने इन्हें समझाया कि
अब जो हुआ हुआ, अब ना गलती करना, बने रहना। क्या रहना? अब बने रहना, बने रहना। फिर से ये बनी नहीं रही और ये दो महीने के बाद ये हालात जो अभी इसके पास बेटा ये बड़ा इसके ऊपर आ गया। कितनों को समझ आ रही है कि परमेश्वर का वचन हमें क्या कहता है करने के लिए? समझ आ रही मेरी बात? अगर नहीं करोगे तो फंसोगे, इसीलिए कहा उसकी युक्तियों से अनजान ना रहना। जीवन से बढ़कर कोई चीज है बताओ मुझे? सोना चांदी पैसा कारोबार जीवन से बढ़कर कोई चीज है? कोई है? कोई तो इन गवाहियों से समझना कि परमेश्वर क्या चाहता और उसकी इच्छा में पूरा करना। वो आपकी जरूरतों को भी पूरा करेगा, जो आप चाहते हो वो करेगा। आपके बिजनेस को, आपके काम को भी बढ़ाएगा, घर को भी बनाएगा, सब कामों को पूरा करेगा। वो दुनिया बनाने वाला परमेश्वर है, वो क्या नहीं कर सकता? समझ आ रही मेरी बात? बस उसकी इच्छा में बने रहना, जो चाहता है परमेश्वर उसके साथ संगति में रहना। ठीक है? ओके, तो परमेश्वर आपको बहुत बरकत दे।